पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 37वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत दीक्षा भवन में काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात कवि प्रोफेसर मौला बख्श महेश अश्क सहित विश्वविद्यालय के जाने माने युवा कवि मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह, उनकी धर्म पत्नी गीता सिंह, कुल सचिव सुरेश चंद्र, कार्यक्रम के संयोजक रजीउर रहमान, सह संयोजक प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रोफेसर विमलेश मिश्र सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। काव्यांजलि कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कवियों एवं शायरों ने अपनी काव्य रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य एक अच्छा स्रोत है। मनुष्य अपनी भावनाओं को अच्छे प्रकार से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। कुलपति ने काव्यांजलि में शामिल सभी कवियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। लोग इतने अच्छे तरीके से लगा और दिखने में तो भीम नहीं है। इसके बाद हम सब माहौल बनाएंगे, अभी आप साथ हमारे एनसीसी के टीम में। और इसके बाद ऋषभ पांडे योनाथन है ऋषभ। उसे महसूस मैं हर रोज सुबह शाम करता हूँ और पूजा पाठ भी सारे उसी के नाम करता हूँ। और मेरा मक्का, मेरा काबा, मेरा काशी, मेरा संगम, मेरा मक्का, मेरा काबा, मेरा काशी, मेरा संगम, और अपनी माँ के चरणों में मैं चारों धाम करता हूँ, मैं चारों धाम करता हूँ। गाय अंधा के प्रतिमान है फिर भी ऐसे बैठे हैं, कश्मीर की घाटी में ये जो छुप कर बैठे हैं, कायरता के प्रतिमान है फिर भी ऐसे बैठे हैं। ये महिलाओं और बच्चों के पीछे छुप कर घात करें, ये महिलाओं और बच्चों के पीछे छुप कर घात करें, लौट रहे जाबाजों पर ये पत्थर की बरसात करें, ये महिलाओं और बच्चों के पीछे छुप कर घात करें, लौट रहे जाबाजों के ऊपर पत्थर की बरसात करें। अब चुप्पी तोड़ो मोदी जी, अब चुप्पी तोड़ो मोदी जी, खुल करके प्रतिकार करो। मेजर गोगोई और मेजर शुक्ला को तैयार करो, मेजर गोगोई और मेजर शुक्ला को तैयार करो। इस गोरखपुर ने हमें क्या दिया? यहाँ छिपती नहीं पहचान, यह गोरखपुर है। यहाँ छिपती नहीं पहचान, यह गोरखपुर है। यहाँ झुकता है आसमान, यह गोरखपुर है। बहुत अच्छे। यहाँ हर हंसी दिल चोरी हो जाया करता है, जरा संभल कर रहना मेरी जान, यह गोरखपुर है। नंगो आर्य चमन तस्वीर मिटा दी जाएगी, वाह हो बाई से नंगो आर्य चमन तस्वीर मिटा दी जाएगी, हो जिस बगावत का खदशा तहरीर मिटा दी जाएगी, तस्वीर मिटा दी जाएगी, वो जिस बगावत का खदशा तहरीर मिटा दी जाएगी, वो फूल जो कदमों को रोके, वो फूल जो कदमों को रोके, उन फूलों का फिर मतलब क्या, वो फूल जो कदमों को रोके, उन फूलों का फिर मतलब क्या, इन फूलों को चुनकर उनमें फिर आग लगा दी। वाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हर अकेली राह पर छाया बने चलते थे तुम, आज मुझको छोड़कर मुंह मोड़ कर क्यों चल गए, हर अंधेरे मोड़ पर दीपक बने जलते थे तुम, आज मुझको छोड़कर मुंह मोड़ कर क्यों चल गए, होकर समीप हृदय के मेरे
नयन से ओझल हुए और किस धुए में खो गए। एक जहां देखता हूँ ख्वाबों का एक जहां देखता हूँ, जब राहों में उनका मका देखता हूँ। मैं क्यों ख्वाबों का एक जहां देखता हूँ, जब राहों में उनका मका देखता हूँ। और अगला शेर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि है आंखों में अश्क या अक्स मेरा है। है आंखों में अश्क या अक्स मेरा है, प्यार पर्दा नशी में बया देखता हूँ। मैं द्रौपदी बन जब चीर धरूं, मैं द्रौपदी बन जब चीर धरूं, तुम कान्हा बनकर आ जाना। मैं द्रौपदी बन जब चीर धरूं, तुम कान्हा बनकर आ जाना। दुशासन कोई वस्त्र हरे जब साफ अनोखा दिखा। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं द्रौपदी बन जब चीर धरूं, तुम कान्हा बनकर आ जाना। दुशासन कोई वस्त्र हरे जब साफ अनोखा दिखलाना। जब केश पकड़ के दैत्य कोई दरबार के आगे खींच पड़े। जब केश पकड़ के दैत्य कोई दरबार के आगे खींच पड़े। नारी को नारी ना समझे जब वस्तु समझकर खींच पड़े। जब केश पकड़ के दैत्य कोई दरबार के आगे खींच पड़े। नारी को नारी ना समझे जब वस्तु समझकर खींच पड़े। आंखें होते हुए भी जब धृतराष्ट्र बने बैठे सब लोग। आंखें होते हुए भी जब धृतराष्ट्र बने बैठे सब लोग। जब भार्या पर ही दाम लगे और युद्ध भेंट चढ़ा जियो। आंखें होते हुए भी जब धृतराष्ट्र बने बैठे सब लोग। जब भार्या पर ही दाम लगे और युद्ध भेंट चढ़ा जियो। जब जीवन संगी दास बने। वाह बढ़िया। जब जीवन संगी दास बने और मूड सभा निस्तब्ध रहे। जब जीवन संगी दास बने और मूड सभा निस्तब्ध रहे। सब धर्म शास्त्र झुठला जाए बस मान रास प्रारंभ है। वाह और अन्य किसी माध्यम से नहीं मिलता, कथा से नहीं मिलता या गद्य से नहीं मिलता, तो कविता का या काव्य या शेर व शायरी का जीवन में एक विशेष महत्व है। अब सभी विद्यार्थी यहाँ बड़े उत्साहित हैं और सुरक्षा से भरे हुए हैं और जीवन का उल्लास ही महत्वपूर्ण होता है। यह प्रस्तुति ऐसी है जिसमें सभी हर्षित हैं, उल्लास से भरे हुए हैं। हम थोड़ी व्यस्तता की वजह से पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। कुलपति के रूप में मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ। यदि मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा प्रतिभाग करता इसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी कुछ अन्य मीटिंग्स लगी हुई हैं जो कम्युनिकेशन से संबंधित हैं, तो मैं उस वजह से मैं पूरा कार्यक्रम नहीं देख पा रहा हूँ। यद्यपि हमें आप विद्यार्थियों पे आपकी प्रतिभा को निखारने का जो अवसर मिला है आप लोगों को, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। और विशेष रूप से जो हमारे विद्यार्थी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का देश का नाम रोशन करेंगे। इस शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।